हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द सन, ओके, द फूल, ओके गाइस, डेफिनेटली आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी को आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है, कोई वापस से गाइस आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको लेकर किसी को क्लैरिटी मिली है गाइस, किसी के विचार आपके लिए बड़े कह सकते हैं कि साफ सुथरे होने लगे हैं, या आपको लेकर अगर किसी प्रकार की कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी भी दूर होते हुए नजर आ रही है। कोई आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं गाइस। एक ये बात हो सकती है आपके साथ में कि अभी बीते हुए समय में आपका किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये आप रिलेशनशिप के आधार पर ही देखो, लव रिलेशनशिप के आधार पर ही आप ये रीडिंग देखो। ये आपके परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में भी हो सकता है ना, कि कोई भी ऐसा इंसान जिनके साथ अभी थोड़े टाइम पहले आपका तालमेल गड़बड़ा गया था, या आपका बातचीत होना बंद हो गया था, आपके विचारों को उनके द्वारा ना समझा जाना, या उनके विचारों को आपके द्वारा ना समझा जाना, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि मतभेद बहुत ज़्यादा हो सकता है, कि आपने भी अपना किसी मुद्दे पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करी है, सामने वाले इंसान ने नहीं समझा। या यूं भी हो सकता है गाइस कि जहां पर आप खड़े हो आपको स्थिति नंबर 6 नजर आ रही है, तो सामने वाले इंसान को वही स्थिति नंबर 9 नजर आ रहा है। ये चीज गाइस कहीं ना कहीं दृष्टिकोण या समय का हेर फदल, ऐसा कि जहां पर यकायक कह सकते हैं कि आपका किसी के साथ बातचीत बंद होना, कुछ तो ऐसा लग रहा है गाइस कि जहां पर आपको आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन लगी, या ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि जितनी वैल्यू आपको दी जानी थी उतनी वैल्यू आपको नहीं दी गई। मतलब किसी इंसान ने, ये तो बात पक्का है कि जितना आपने उनको मतलब अपनी लाइफ में एक स्थान दिया, किसी ने आपको वो स्थान वापस से नहीं दिया, यानी रिटर्न में इक्वलिटी आपको नहीं देखने को मिली, समानता आपको देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं गाइस कि आपको ऐसा लगा, जैसे कहते हैं ना कि भावनात्मक तौर पर आपको किसी ने ठग लिया, शायद ये भाव आपके मन में आया। और हो सकता है कि एक समय में कहते हैं ना कि कोई इंसान जब तक पास में हो ना, जब तक वो वैल्यू दे तब तक उनकी कदर नहीं होती। हो सकता है कि मतलब पहले आपका इनके साथ लगाव बहुत अच्छा था, जैसा कहा ना गाइस कि ये आपके परिवार के कोई सदस्य भी हो सकते हैं, कि एक समय में इनके साथ आपका रेपो बहुत अच्छा था, समझ बहुत अच्छी आपके लिए। हो सकता है कि कई और सिचुएशन में ये खड़े भी रहे होंगे, बट अभी के हाल कुछ और है, अभी ये आपके हाल को समझने की कोशिश में नहीं है, या नहीं समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना गाइस, गिल्ट का भाव आना, जब मतलब यही चीज है गाइस कि जब कोई वैल्यू देता है, जब कोई कदर करता है ना, तब उनकी कदर नहीं की जाती, लेकिन जब समय उस ब्लेसिंग को किसी से छीनता है ना, तब उनकी वैल्यू उठती है। तो किसी को आपकी वैल्यू, आपकी पावर समझ में आई है गाइस। और साथ में ये भी कि कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का उनकी लाइफ पर इतना प्रभाव पड़ रहा, हो सकता है कि किसी ने आपको कहा भी होगा कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, कि जब आप उनके साथ होते हो ना तो उनके कोई काम बनता है, ये काम में गति अच्छी आती है, या कहीं ना कहीं उनकी चिंता दूर हो जाती है। अगर आपके घर में भी कोई आपके कोई रिश्तेदार है ना, तो वो उन्होंने भी आपको यही कहा होगा कि आप उनके लिए बहुत लकी हो,
कि आप जब उनके साथ जाते हो, अगर कहीं बाहर भी जाना होता है, कोई बाहर कोई काम होता है, आप साथ जाते हो ना, तो उनका काम जल्दी बनता है, आपको साथ लेकर जाएंगे भले आपकी वहां पर जरूरत ना हो तब भी। इतना मतलब कहते हैं ना कि आपको अपना लकी चार्म मानना गाइस, और इतना मतलब एक बार नहीं हुआ है उनके साथ, कईयों बार हुआ है। और आपने भी निस्वार्थ होकर इस चीज को समझने की कोशिश करी कि आपकी एनर्जी उनके लिए काम करती है, तो आपने भी वो चीजें करी उनके लिए कि कुछ नहीं, आपका अच्छा होना चाहिए। अब ये चीजें किसी को याद में रखनी चाहिए, बट एक समय तक मैं याद रही, लेकिन जब बारी चयन करने की आई ना, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर आपका चयन हुआ, जहां पर आपको लगता था कि आपका चयन होगा या कोई इंसान आपको चुनेगा। मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हालात बने जहां पर जिनके साथ आपका लगाव था ना, कि आपको चुने या किसी और स्थिति को चुने, वहां पर आपको इतना बिलीव था कि कोई इंसान आपको चुनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ गाइस। आपकी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटी, आपको एहसास करवाया गया कि आपकी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे सब चीजों का एहसास उन्होंने आपको करवाया होगा। और आपने हमेशा अपनी तरफ से उनको, अगर कभी गलत रास्ते जाते हैं या उनकी सोच सही नहीं चलती है ना, तो आप अपनी तरफ से उन्हें समझाने की भी कोशिश आपने खूब करी होगी कि नहीं लाइफ में ऐसे नहीं चलते या फिर ऐसा कुछ नहीं करते। मतलब जैसा खुद की जैसा एक होता ना कि आपको किसी बात की समझ है, तो आपने उनको भी इस बात की समझ देने की कोशिश करी। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना गाइस कि कोई इंसान नहीं समझना चाहता तो नहीं समझे। एक समय तक ठीक है कि हाँ आपकी हाँ में हाँ भरना, लेकिन समय क्या होता है गाइस कि इन्हीं चीजों की तो क्लैरिटी लेकर आता है ना, कि कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए सही नहीं है, या कभी लाइफ में ऐसी परिस्थिति बन जाए जहां पर कोई आपको कितनी वैल्यू देता है, किसी की लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है, ये एक बार आपके सामने आ जाए, क्योंकि उनके चलते आप अपनी वैल्यू को खोते जा रहे थे। ये तो चीज गलत है ना गाइस, आप अपनी पावर को खोते जा रहे थे, या आप अपनी पावर को समझ ही नहीं पा रहे थे, मतलब किसी और के सामने आप अपनी पावर को भूलते जा रहे थे गाइस, और ये चीज गलत में जा रही थी। ये कहता है ना कि समर्पण अगर कहीं सही जगह पर हो ना, तो उसका परिणाम कितना शुभ उभर कर आता है, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं आपका समर्पण को सही जगह पर नहीं गया गाइस, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में तकलीफ आपको देखने को मिली। लेकिन समय जो होता है ना, वो हीरे की कद्र करवा ही देता है, तो ये समय आपके लिए यूं लेकर आ रहा है कि किसी इंसान को आपकी कदर का एहसास होना। अभी आपने किसी को टोटल इग्नोर किया है गाइस, किसी से पूरी तरीके से बातचीत करना बंद कर दिया है, या फिर अगर कोई आपको ये शो भी करता है ना कि आप तो गलत हो, आपने इतना उनकी लाइफ में इतना कुछ गलत किया है, आपके जैसा बुरा इंसान कोई नहीं है, कोई आप पर ब्लेम भी लगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ मतलब ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप वापस से रिप्लाई दो, लेकिन आप कहते रहे बिल्कुल खामोश, एकदम शांत चुप होकर बैठ गए। आपको दिमाग में यही है अभी कि रिप्लाई ही नहीं देना, समझना होगा अपने आप समझेंगे, आप अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं देना चाहते, क्योंकि एक समय में आपने अपनी तरफ से बहुत सफाई दी है, तो अब आप अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं देना चाहते, ये चीज आपने ठान ली है। तो किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से ना कुछ छूट रहा है, मतलब ये अलग बात है कि कोई किसी की वैल्यू भी ना करे और अपनी लाइफ से जाने भी ना दे, दोनों चीजें तालमेल एक साथ कैसे बनेगा। इतना तो किसी की लाइफ को खराब करने का अधिकार किसी को भी नहीं होता, या तो आप वैल्यू करो, अगर आपके पास कोई ऐसी ब्लेसिंग के रूप में इंसान है तो उनकी वैल्यू करो और उन्हें जीवन भर अपने साथ रखो, है ना जी, उनके भावनाओं को भी समझो, खुद की भावनाओं को भी समझाओ, इक्वलिटी दो। टू अवेंट्स, कोई आपकी तरफ से पहल की सोच रहा है गाइस, मतलब कोई परिस्थिति अटकी हुई सी लग रही है, अटकी हुई सी ना, स्टक लग रही है, मतलब जैसे क्या कहूं मैं, अगर ये आपके परिवार जन में भी है ना, तो कोई किसी को आपको लेकर गलतफहमी, नो डाउट गाइस, दूर हुई है, या किसी थर्ड पर्सन ने आपके बारे में उनको उलझाने की कोशिश करी है, या फिर यू कह लो कि
भड़काने की कोशिश की है ना, तब भी आपको लेकर क्लैरिटी समय ने दे दी है। यानी आपको लेकर दृष्टिकोण तो काफी हद तक में चेंज हुआ है, ठीक है, सकारात्मक भाव आने लगे हैं, मतलब आपकी इमेज जो है उनके सामने अच्छी होने लगी है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपने उनके लिए जो कुछ भी किए, कितनी परवाह की है एक समय में, कितना ख्याल रखा है, ये सब चीजें ना उबर उबर कर सामने आ रही है। अब एक एक करके ना बातें याद आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है ईगो उनको लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आकर अगर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या फिर से तालमेल सही करने की कोशिश करेंगे तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। मतलब आपका ये बदलता हुआ रूप ना किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया, ऐसा बिहेवियर कैसे बदल गया इनका। हो सकता है कि किसी ने कईयों बार आपके साथ गलत बिहेवियर किया है, लेकिन फिर भी आपने चांस दिया हर एक बार, और इस बार हो सकता है कितनी कोई बड़ी बात भी नहीं हुई है या बड़ी बात हुई है तो आपने इस तरीके से एक ही बार में कहते हैं ना कि ऐसा डिस्टेंस क्रिएट किया, अपने ऑरा में भटकने नहीं दे रहे हो किसी को, और ये उम्मीद आपसे किसी को नहीं थी। किसी ने सोचा कि फिर से ये माफ कर देंगे तो सब चल जाएगा, मतलब किसी को ना खुद पर बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो फिर से आपको, मतलब आपके साथ तालमेल अच्छा कर लेंगे, आसान है आपको फिर से उसी पैटर्न में लाकर खड़ा करना, लेकिन इस बार आपने ठान लिया कि हर बार की तरह नहीं चलेगा, और आपने ये सोचा कि सब छोड़कर एक अच्छा सा डिस्टेंस क्रिएट करके खुद की अहमियत को बढ़ाया जाए। खुद की अहमियत जब कोई इंसान समझने लगता है ना तो दुनिया समझने लगती है। अब जिस किसी ने आपकी वैल्यू को घटाने की कोशिश की है, मतलब आपको आपकी कदर नहीं की ना, और ये चीज आपको बहुत ज्यादा फील हुई कि किसी ने आपकी कदर नहीं करी है, अब वही चीज उनको फील होगी कि काश अगर उन्होंने आपकी कदर की होती तो ये डिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ होता। इसका प्रभाव उनकी लाइफ पर बहुत सारे मामलों को लेकर पड़ रहा है। कैसे, जैसा मैंने कहा ना, आपकी ऊर्जा का, आपकी किस्मत का, आप उनके लिए लकी चार्म हो गाइस। तो एक तनाव स्ट्रेस उनकी लाइफ में चल रहा है, हो सकता है उनके वर्क प्लेस पर भी मतलब अच्छा खासा नहीं चल रहा है, उनका दिमाग भी अभी साथ नहीं दे रहा है, परेशान है, और ये भी उनको एहसास है, परेशान है उनको ये भी एहसास है कि आप उनकी लाइफ से निकल रहे हो। अब कोई आपको खोना भी नहीं चाहता, लकी चार्म होगा इस, कैसे कोई खो दे आपको, आपकी किस्मत से उनकी किस्मत पर प्रभाव पड़ता है तो कैसे कोई खो दे आपको, है ना, खोना नहीं चाहता आपको, लेकिन फिर से आपको पाना भी चाहता है, लेकिन डर भी है मन में। डर किस प्रकार का है कि आकर अगर माफी मांगे तो क्या पता आप थोड़ा और, जैसे एक होता ना भाव खाना, कि ना कुछ ऐसा वैसा ना बोल दो कि उनकी ईगो हर्ट हो जाए, तो अपने ईगो हर्ट होने से कोई डर रहा है कि आप उन्हें ना नुकुर ना कर दो, या आप उनको एक्सेप्ट ना करो फिर से लाइफ में, या कुछ ऐसा ना कह दो जिससे और गहरा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। मतलब किसी को इस बात का भी खौफ है कि मामला कहीं और ना बिगड़ जाए बातचीत में, कि अभी इतनी खाई बनी हुई है, थोड़ी और खाई नहीं बन जाए, या ऐसा कोई डिस्टेंस क्रिएट ना हो जाए कि कभी भविष्य में बातचीत ही ना हो। यानी कोई आपके साथ नाता खत्म नहीं करना चाहता गाइस, आपके साथ फिर से न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कोई सोच रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आपके साथ तालमेल फिर से अच्छा हो जाए, और एक बार अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे गाइस, है ना, ये कोशिश करेंगे, ये थक हार कर कोशिश करेंगे, चाहे आप अपनी तरफ से मैसेज करो ना करो, हालांकि अभी बहुत इंतजार है आपकी तरफ से मैसेज का, आपकी तरफ से बातचीत का, हो सकता है कॉल का वेट कर रहे होंगे, या फिर आप दोनों ही किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो आपको भी जानते हो उनको भी जानते हैं, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपके बारे में जानकारियां लेना, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपने किसी को कुछ कहा है उनके बारे में, नहीं कहा है, सारी चीजें की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर हाथ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने चुप्पी ऐसे साधी है कि आप किसी को भी नहीं कह रहे हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो आपके दिल की बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। आखिर इनके दिल में दिमाग में चल के आप कंफ्यूज कर रहे हो किसी को, तो यही वजह है किसी इंसान के परेशान होने की, उनको भनक ही नहीं पड़ रही है। एक तो ये आपका बदलता हुआ बिहेवियर उनके बर्दाश्त के बाहर है कि समझ में नहीं आ रहा इनके मन में क्या चल रहा है, कि इतना स्ट्रांग बिहेवियर इनका पहले कभी देखने को नहीं मिला, या इतना खुद के लिए स्टैंड लेना इन्होंने कभी नहीं करा।
अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट इन्होंने कभी नहीं करी, ये चीजें जागृत हो गई क्या इनमें? मतलब समझ रहे हो कि ये ऊर्जा अगर आप में जागृत हो गई तो आप अपनी वैल्यू करोगे, समझ में आई बात? और इस बात का किसी को डर है कि कोई आपको खो देगा, क्योंकि किसी को ये भी पता है, अंतरात्मा सबकी जानती है गाइस, कि आप किस कदर के हकदार हो, किस रेस्पेक्ट के हकदार हो। कोई आपको अपने से ऊपर भी मानता है, लेकिन शो नहीं करता आपके सामने, शो नहीं करता। कोई आपको बड़ा पावरफुल भी समझ रहे हैं, ये भी पता है कि आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आप ख्याल अच्छे से रख सकते हो, आप सब कुछ अच्छे से ध्यान रख सकते हो, आपका नियंत्रण नहीं होता है, आपकी परवाह होती है, पर ठप्पा लग जाता है नियंत्रण का, जहां पर कोई इंसान करके गलत साबित हो जाए कि मैंने तो भलाई का काम करा था, अच्छा काम करा था, पर ठप्पा गलत क्यों लग गया, है ना? इल्जाम या ब्लेम बुरे क्यों लग गए? यह आपके साथ अच्छाई का परिणाम बुराई के रूप में उभर कर आता है। और आप वो इमोशनल इंसान हो कि जहां पर आपको लगे ना कि किसी इंसान को प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई सामने से सलाह ना मांगे आपका अपना, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से सलाह देने की कोशिश करते हो, रोक टोक करने की कोशिश करते हो कि जैसे भी करके रुक जाए, इनको नुकसान ना पहुंचे। और ये चीज उस टाइम उन लोगों को समझ में नहीं आती, उनको लगता है ये नियंत्रण है, ये नियंत्रण है, लेकिन समय गुजरने के बाद में पता चलता है ये नियंत्रण नहीं है, ये परवाह है, ये प्यार है। और समझ में आने के बाद में अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं गाइस, तो ये क्या हुई, कदर को घटाने वाली बात। अब धीरे धीरे कि ये चीजें आपको समझ में आने लगी, क्योंकि जो इमोशनल इंसान होते हैं ना, वो इन चीज की परवाह नहीं करता, वो सोचते हैं कि ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरा धर्म है, मैं तो इसे करूंगी करूंगा। लेकिन बार बार जब एक ही चीज पर चोट पड़ती है ना, तो किसी इंसान को समझ में आता है मुझे यहाँ पर संभलने की आवश्यकता है। और अभी चीज आपको समझ में आ गई कि मुझे यहाँ पर संभलना है, और आप खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, आपने अपना पूरी एनर्जी और पूरा ध्यान जो है ना आपने खुद पर लगा दिया है, तो आपकी एनर्जी का अंश मात्र भी किसी के काम नहीं आ रहा गाइस। और जहां उनका काम रुक रहा है ना, तो उनको कहीं ना कहीं उनके अंतरात्मा को ये एहसास हो गया है कि आपका ध्यान किसी पर से हट चुका है, यानी आपको खोने का डर गाइस। आप उनके लकी चांग हो, और कुछ भी कह लो गाइस, जैसा कहा ना, अंतरात्मा सबकी होती है, एक अच्छे इंसान को कोई भी खोना नहीं चाहता, कोई भी नहीं खोना चाहता है, चाहे कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, बातचीत बंद कर दे, लेकिन अच्छे इंसान की वैल्यू सबको होती है, चाहे बाहर शो ना करे, है ना? तो अभी आपके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां लेने की कोशिश करें, हो सकता है कि ऑनलाइन भी आप पर नजर रखी जा रही है, ये भी हो सकता है बस, आपके बारे में खोजबीन तो बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, ये देखो, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि किसी तरीके के त्योहार कह लो, या कुछ ऐसा विशेष दिन जिसका कोई इंतजार कर रहा है, कि कोई ऐसा विशेष दिन आए, तब उस बहाने से कोई आपको कॉल करे, मैसेज करे, या फिर बातचीत करने का एक प्लान बनाए। कोई प्लान कर रहे हैं गाइस आपसे बातचीत करने का, मतलब रहा नहीं जा रहा है किसी को। आप कहते हैं ना कि अब तड़पने वाली बात गाइस, कि अगर सच कहूं गाइस कि ये कितना भी खुद को अपने ईगो के चलते रोकने की कोशिश कर ले आपके पास आने से, या फिर आपसे माफी मांगने से कि गलती हो गई, ये गलती की माफी भी मांगेंगे गाइस, क्योंकि इनके लिए आप बहुत प्रीसियस हो, इनको पता है इन्होंने आपके साथ क्या क्या गलतियां करी है, इनको पता है इन्होंने आपकी कितनी डिसरेस्पेक्ट करी है, कहां पर इनका निर्णय गलत था, इनको ये भी पता है गाइस। तो ये एक मौके की तलाश में है, कि इनको पता है कि अगर ये आपको कॉल करेंगे, आप कॉल अटेंड नहीं करोगे, आपको आपसे कहीं मिलना चाहेंगे, आप मिलोगे नहीं इनसे, बट एक कोई मौके की तलाश में है कि कोई सेलिब्रेशन वाला पल, या फिर कोई पार्टी हो गई कहीं पर, इनविटेशन में भी हो सकता है आपको भी मिले, उनको भी मिले, ठीक है, या फिर कोई त्योहार ही हो जहां पर मिलना जुलना हो, बातचीत हो, आमने सामने वाली बातचीत हो, फिर वहां पर कहते हैं ना कि मतभेद को दूर करने वाली बात,
मतलब इनको लग रहा है कि अगर कॉल पर बात करी या फिर ऐसे कम्युनिकेशन किया ना, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना कहीं इनकी बात को आप गलत वे में ना ले लो। अपनी कोई सफाई देना चाहते हैं गाइस, अपनी कोई मजबूरी बताना चाहते हैं, या ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी कोई बात है जो इनको बुरी लगी। सारी चीजें, काफी सारी चीजें एक साथ घूम रही है इनके दिमाग में। कहीं पर खुद की गलती का भी एहसास है, कहीं पर आपकी गलतियां भी इनके दिमाग में चल रही है। जैसा कहा ना, ईगो वाले इंसान होते हैं ना, उनके उनके साथ यही है। हाँ मेरी गलती थी, लेकिन गलती आपकी भी थी, वो वाली बात तो इनके अंदर है भाई, है ना। ये तो टोकरा साथ में लेकर ही चल रहे हैं, तो ये मिलेंगे ना, माफी भी मांगेंगे ना, तो एक बार ये भी कहेंगे यहाँ पर आपकी बात जो है ना ये चुभी थी, ये अच्छा नहीं लगा था। बुरा बर्ताव करोगे तो कैसे अच्छा लगेगा? एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, तो वो तो प्रतिक्रिया थी आपकी। मतलब आपकी चुप्पी, सच में कहते हैं ना कि कभी कभी चुप्पी जो होती है ना, वो बहुत बड़ा हथियार का काम कर जाती है। आपका चुप हो जाना एकदम, एक तरीके से एक ही बारी में, वाकई में भूचाल मचा गया, और कहीं ना कहीं कह लो कि आपकी समस्या के समाधान में आपकी बहुत बड़ी मदद कर गया गाइस। आपने चुप रहकर वो अस्त्र शस्त्र चला लिए अपने, जो वाकई में आपको इस मामले में जीत दिलाने में मदद कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको यही कहूंगी कि निश्चिंत होकर रहना, आपका कोई अपना भी है ना, कि आपके भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदारी में कोई इंसान है जिन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है ना, ये समय उनको समझ दे रहा है। आपकी द्वारा जो भी उनके लिए अच्छा किया गया है ना, उनके उनके आंखों के सामने लाकर रखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास करवाया जा रहा है कि वो आपको खोए ना। अगर ये मैरिज का भी मामला है, जहां पर आपके पार्टनर जो है वो आपको गलत समझ रहे थे, या दोनों में दूरियां बन गई थी, मैरिज बहुत बुरे पॉइंट पर चली गई थी, जहां पर टूटने तक का पॉइंट आ गया था लाइफ में, वहां पर भी चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही है गाइस, रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। मसला तो सुलझेगा गाइस, है ना, मसला सुलझेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक और चीज चल रही है कि भले ही मसला सुलझे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था करनी है कि भविष्य में किसी इंसान को ऐसे करने या ऐसा पैटर्न वापस घुमाने की ना हिम्मत भी ना हो। आप ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहते हो, या ऐसा आपके दिमाग में है? मतलब बहुत बड़ा बैलेंस गाइस, कि सामने वाले इंसान को आप अपने बिहेवियर से बताना चाहते हो कि अब किसी तरीके का गलत बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अगर सब कुछ चीजें सही चाहते हो तो इक्वलिटी चाहिएगी। अगर वो इक्वलिटी देने को तैयार है तो सब कुछ ठीक है। मतलब आप अपनी नजरों में तवज्जो बढ़ा रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है गाइस। ओके, प्रार्थनाएं भी चल रही है गाइस। हैंगमैन कहा ना, रुकी हुई सी, स्टक हुई सिचुएशन है। और देखो ये देखो, कोई मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। नेगेटिविटी इस मामले को लेकर सारी खत्म हो रही है गाइस। एक्चुअल में ये समय का खेल था। हो सकता है कि लास्ट अगस्त में, है ना, पिछले साल अगस्त में हो सकता है कि किसी के साथ आपके नाते खराब हुए हैं, रिश्ते खराब हुए हैं गाइस। वो भी कहा ना गाइस कि अच्छा ना, एक दो दिन पहले भी आपको पता नहीं था कि एक दो दिन, 3 4 दिन में आपका किसी के साथ बिल्कुल बातचीत ही बंद हो जाएगी। यही हुआ अचानक आपके साथ। देखो कुछ तो बुरे लोगों का कमाल था गाइस, ये कुछ बुरे लोगों ने, एक बार कहते हैं ना कि ऐसे भड़काकर या ऐसे शब्द इनके कान में कह कह कर ना, इनको आपके लिए ना, आपकी कदर को कम करने वाली बातें इनको कही गई है, मुझे ऐसा लगता है। जिसकी वजह से एक होता ना कि किसी इंसान, कोई इंसान खुद को सुपीरियर समझने लगे, या फिर ऐसा कि वो अगर आपको ज्यादा तवज्जो देंगे तो आप पता नहीं क्या अपने आप को समझने लग जाओगे, या उनको वैल्यू नहीं दोगे, कुछ ऐसा कि खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए किसी ने आपकी वैल्यू को कम करने की कोशिश की, या आपको कमतर समझाने की कोशिश करी। बट ये तो उल्टा पड़ गया गाइस, ये सच में उल्टा पड़ गया। किसी ने सोचा क्या था, और इस बार आपने क्या कमाल कर दिखाया। किसी को लगा था कि आप पीछे 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 जाओगे, लेकिन आपने अपना रास्ता मोड़ लिया, और कोई आगे बढ़ने के बाद में पलट कर देख रहा है तो आप दिख ही नहीं रहे हो कहीं पर भी, और वो भटक रहे हैं, उनकी आत्मा तड़प रही है, कहाँ खो गए आप, उनको नजर नहीं आ रहे हो,
और वो घबराहट नजर आ रही है कि अब कैसे किया जाए, आप कैसे आपको मनाया जाए, आपसे कैसे माफी मांगी जाए। माफी मांगते हुए भी डर लग रहा है और माफी मांगनी भी है, और ईगो भी बीच में आ रहा है और ईगो को तोड़ना भी है, सारी चीजें एक साथ, यानी कितना ज्यादा उलझा हुआ दिमाग है गाइस। और आप इस उलझन में रहना नहीं चाहते, आप खुद को हील करना चाहते हो कि अब हो गई काफी नकारात्मकता, अब तो आपको मतलब इस मामले को लेकर कुछ है ही नहीं, आपके आपको ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, और सामने वाले इंसान को यही लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से ना सब कुछ खत्म कर दिया, और यही बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। ये किसी को मतलब बहुत ज्यादा घबराहट दे रहा है आपका बिहेवियर गाइस, कि ऐसे कैसे आप किसी से दूर हो सकते हो, या कोई आप मतलब समय आपको उनसे छीन नहीं सकता, कोई वापस से आपकी लाइफ में आने के लिए तत्पर है गाइस, या आपके बच्चे भी है ना, तो डेफिनेटली गाइस देखना ये आपसे आकर माफी मांगेंगे ही मांगेंगे, देखना बकायदा आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है गाइस, कोई जो आपके दिल के करीब थे उनको भड़काया गया है ना, जिस इंसान ने भड़काया है उनको, उनको लेकर इनके दिमाग में विचार आते हैं जिस तरीके से, देखना गाइस उन पर बहुत क्रोधित होंगे ही, उनके साथ सारे रिश्ते खत्म करेंगे कि उनकी वजह से, उनके भड़काने की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ते खराब कर लिए, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपकी कदर को नहीं समझा। अरे आप कहता ना कि किसी को सही और गलत की समझ होना, इतना खोने के बाद में या इतना लाइफ में बिगाड़ा करने के बाद में अब समझ में आ रहा है कि कौन अपना था कौन पराया है, और अब उन चीजों में सुधार करने की तरफ ध्यान भटक रहा है, अब सुधार करना है वरना और ना कुछ खो दिया जाएगा। हो सकता है ये किसी से सलाह ले रहे हैं जिनको आप जानते हो, उनसे सलाह ले रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। मतलब एक बात तो कहूंगा इस कि इस बार आपका रौद्र रूप किसी ने इस तरीके का देखा है, बिहेवियर किसी ने इस तरीके का देखा है जो बिल्कुल किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं था कि आपका ऐसा बिहेवियर उभर कर सामने आएगा। बहुत चक्का कर रहे हो गाइस आपकी, आप अपनी एनर्जी से, और किसी को इंतजार है, बहुत ज्यादा इंतजार और उम्मीद भी है, जैसे ये है ना द हर्मिट का कार्ड, उम्मीद भी है कि नहीं एक समय में सब कुछ ठीक होगा, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ये भी है। आप उम्मीद करके बैठ सकते हो गाइस किसी के कॉल का, मैसेज का, या कोई मिलने के लिए आपके घर आए, या कोई ऐसा इंसान जिनको आप जानते हो, कोई बीच में बीच बचाव के लिए कहता है ना कि समझाइश करने के लिए, समझाने के लिए आपको आए, ये भी हो सकता है, या तो ये डायरेक्ट आपके पास आकर माफी मांगने की कोशिश करेंगे, या फिर एक बार कहते हैं ना कि हल्का सा आपके मन के विचार को जानने के लिए किसी इंसान को आपके पास भेजेंगे कि आपके मन में विचार क्या चल रहे हैं, फिर उसके आधार पर, क्योंकि डर है गाइस सच में, पता नहीं आपके एनर्जी से किसी को ना डर है, आपकी गुस्से से किसी को डर है, हो सकता है आप गुस्से के तेज हो, या आपके शब्द ऐसे हैं गाइस कि आपको पता है कि आप इस प्रकार उनकी गलती को उनके समक्ष रखोगे कि उनके पास उसका कोई रिप्लाई नहीं होगा, तो वो आपको मनाएंगे कैसे, वो आपको फिर से अपने लाइफ में कैसे लेकर आएंगे, ये डर है किसी को, महाभयंकर डर है। मैं उनके बारे में कुछ और डिटेल्स लूं कि ये कौन इंसान है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ओके ओ नंबर 17, एल नंबर 30, नंबर 21, के सॉरी के पी 12, मेरा नंबर हो सकते हैं आपको ये नजर आ रहे होंगे 2112,
27, T 14, 18, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है आपको, इनको लेकर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। नंबर 5 की एनर्जी आई है, N, नंबर 3, V, F, नंबर 8, Q, E, M और A। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और ये कुछ डेट आई है जो हो सकता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ हो या फिर इनके लिए कोई ना कोई विशेष महत्व रखती है। ठीक है, मैं इनके बारे में डाइस के आधार पर भी जानने की कोशिश करूंगी कि इनकी पसंद नापसंद क्या है। ठीक है ना जी। एक नंबर के जिद्दी इंसान है, ठीक है, और जिद कहीं कहीं पर इनकी बहुत अच्छी भी है गाइस, कि अगर किसी बात को लेकर ये टारगेट बना लेते हैं ना कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये काम करना है, तो वो काम करके ही रहते हैं। और एक इनकी एकाग्रता भी अच्छी है गाइस, यू भी कह लो कि अगर कोई काम करने बैठ जाते हैं तो ये अपना खाना पीना भी भूल जाए, मतलब उस काम में इनका जी इतना अच्छा लगता है। मेहनत कश है गाइस, वर्कोहोलिक है, ये बात तो कह सकते हैं गाइस, है ना। ये ईगो का ईगो खतरनाक है गाइस, इनका बहुत ज्यादा ईगो है, ईगो के चलते ये रिश्तों को खराब कर देते हैं। मे भी हो सकता है इनको चाय पीने का शौक होगा, क्योंकि इसके पास मुझे ना चाय ये कप पर ना मेरी नजर जा रही है, जो यही कह रहा है कि हो सकता है कि इनको चाय पीने की लत है, बहुतों बार चाय पीते हैं दिन में, ये भी हो सकता है। ठीक, और ईगो का तो इनको इनका है गाइस, क्योंकि इनके एनर्जी बैलेंस में नहीं है, बिल्कुल बैलेंस में नहीं है। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी मतलब ठीक बिहेवियर करना, ऐसा इनके बिहेवियर को लेकर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब ये गुस्सा होंगे या कब ये नॉर्मल बिहेवियर करेंगे। कभी बहुत अच्छा बन जाते हैं तो कभी बहुत बुरा बन जाते हैं। एक कंफ्यूजन तो आपको इनके एनर्जी को लेकर रहता है गाइस, कि ये किस प्रकार के इंसान है, ये अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करते हैं अपनी एनर्जी से, ये तो है। हो सकता है कि ये फोटोग्राफी का काम करते होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको खुद की सेल्फी लेना या इन चीज़ों का शौक गाइस, कि थोड़ा कपड़े शौकीन तरीके से पहनना, या फिर मतलब खुद को थोड़ा तवज्जो देने वाली बात है गाइस, खुद की देख रेख ज़्यादा करने वाली बात है ना। दिमाग बहुत तेज चलता है गाइस, ये आपके सामने बड़े कह सकते हैं कि ऐसे बताने की कोशिश करते हैं कि इनको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन इनको समझ में सब कुछ आता है, इनको समझ में सब कुछ आता है। ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा चालाकी भरा दिमाग, या फिर यूं कह सकते हैं गाइस कि आपसे ज्यादा तो मतलब ये दिमाग ज्यादा ही चलाते हैं, आपको सिचुएशन में इतना दिमाग नहीं चलाते होगे, या फिर आपके साथ ये कनेक्शन में इनका दिमाग बहुत चलता है। आपने अगर कोई चीज कही है तो क्यों कही, उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना। तो ये चीज़ें हैं इनके साथ, दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं और आपको शो करते हैं कि इतने शार्प माइंड के नहीं है, है ना। अपने आप को भोला प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं आपके सामने। हो सकता है कि इनका काम ही कुछ ऐसा होगा जहाँ पर इनके ट्रैवल बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये विदेश में काम करते होंगे, ऐसा भी इनके साथ कुछ हो सकता है। वाटर साइन हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं गाइस, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इन पर किसी प्रकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता की हो सकती है, या फिर अपने किसी बड़े इंसान की इन पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। जिम्मेदारी तो है गाइस इन पर, बर्डन है किसी बात का, ये भी चीज है। अगर ये कोई बाहरी इंसान है तो डेफिनेटली ये कोई पहाड़ी जगह पर रहते होंगे, या फिर ऐसी जगह पर घूमना इनको पसंद हो, है ना। बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ भी इनके साथ होती होगी कि थोड़ी वाचाल टाइप के पर्सनैलिटी है इनकी, ठीक है ना जी। तो काफ़ी सारे डिटेल्स आई है जिनसे आपको पता चल पाए कि ये कौन इंसान है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि ये आकर बहुत जल्द आपसे माफ़ी मांगेंगी, ठीक
ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।